हेलो फ्रेंड्स, आरबीएमसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ राज सोरा। दोस्तों, आज मैं आपको पशु की ग्रोथ के लिए, पशु की हेल्थ बनाने के लिए, बहुत सारे पशु होते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती है, दुबला पतला होता है, हड्डियों का ढांचा नज़र आता है, या मिट्टी ज़्यादा खाने के कारण, या प्लास्टिक या पॉलिथीन की थैली खाने के कारण आपका पशु का ग्रोथ नहीं होता है, पशु बहुत कमज़ोर हो जाता है, भूख नहीं लगती है, खाना उनका पचता नहीं है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आज आपको मैं यूनिक एक देसी फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जिसको देने से आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो का लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, किस प्रकार से इस फॉर्मूले को बनाना है, कितनी मात्रा लेनी है और किस प्रकार से पशु को देना है, कितने टाइम पर पशु को देना है, तो हमारी इस यूनिक वीडियो को आप देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे को 350 ग्राम अजवाइन का चूर्ण लेना है, यानी अजवाइन का चूर्ण बनाना है। 200 ग्राम मीठा सोडा लेना है, 200 ग्राम काला नमक लेना है, इसका भी आपको चूर्ण बनाना है। 50 ग्राम सूंट लेना है, जो आसानी से पंसारी दुकान पर मिल जाएगी, इसका भी चूर्ण बनाना है। 20 ग्राम हींग लेना है, जो ये भी आसानी से पंसारी दुकान पर मिल जाएगी, इसका भी चूर्ण बनाना है। 100 ग्राम छोटी हल्ड लेना है, इसको भी कूट के इसका चूर्ण बनाना है। इन सभी को मिक्स करना है। इन सभी को मिक्स होने के बाद में आपको रोज़ 50 ग्राम आपको लेना है। 50 ग्राम के अंदर आपको गुड़ के अंदर गोलियां बना के आपको पशु को देना है। वैसे आप सभी को मिला के एक साथ आप गुड़ के अंदर मिला के गोलियां बना सकते हैं, लेकिन आप रोज़ बनाओगे तो वो बेस्ट रहेगा। उसके बाद में आपको रात को सोते टाइम पशु को, शाम को जब पशु खाना खा ले, खाना खाने के बाद जब पशु रेस्ट करता है, तो उस टाइम आपको 50 ग्राम गुड़ के साथ गोली बना के आपको रोज़ पशु को देना है शाम के शाम। इसको देने से आपका पशु जो कमज़ोर हो गया है, खाता पीता नहीं है, भूख नहीं लगती है, पशु की ग्रोथ नहीं हो रही है, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए ये फॉर्मूला बेस्ट है। तो दोस्तों, आप इस फॉर्मूले को आप अपनाइए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे आरबीएमएस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर हम ऐसे की यूनिक वीडियो के साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओके, बाय।